गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ चीनू ठाकुर जसवाल। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अपने चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री से जुड़े हुए। ये चैनल पर्टिकुलर बनाया है मैंने वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम जो आ रहा है उसके हिस्ट्री के पर्पज़ से, बट ये आपके लिए हेल्पफुल है आपके सारे ही कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सेम कोर्स आपका यूपीएससी का भी है, सेम एसएससी का भी है, सेम आपका हिस्ट्री का। आप कोई भी लेवल के एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर मिलते हैं। तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊंगी ताकि आप फटाफट से अपनी नॉलेज भी गेन कर सकें और हम लोग अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी सही ढंग से चला सकें। सेट एग्जामिनेशन एकदम आपके सामने ही है, वेस्ट बंगाल का दिसंबर किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो सकता है। वैसे टेंटेटिव डेट 17 दिसंबर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस, तो आज की क्लास स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स हैं वहां से। इंडस वैली सिविलाइजेशन इम्पॉर्टेंट साइट एंड देयर फीचर्स। तो आप जानते हैं कि इंडिया के ये जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है इस पूरे इलाके में हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम जानेंगे इसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और वहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स और फाइंडिंग्स मिली हैं उसके बारे में। हड़प्पा, हड़प्पा एक सर्वन अर्बन सेंटर है। आप जानते हैं ये पूरी सिविलाइजेशन ही एक अर्बन सिविलाइजेशन कहलाई जाती है, ये एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ एग्रीकल्चर होता था बट ये पूरी तरह से शहरी नागरिक सभ्यता के नाम से प्रचलित होती है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका एक्सकवेट जो है पहली बार कहाँ किया गया था, ये पाकिस्तान में किया गया था। पहली बार इसको रावी रिवर के किनारे खोजा गया था और ये पहला नगर था हड़प्पा। हड़प्पा वहाँ के गाँव का नाम था, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम भी हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया था। एक्सकवेटेड किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने किया था 1921 में। और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा जो वहाँ पे सील्स मिली हैं उससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया जो आपका नेबरिंग कंट्री है, मेसोपोटामिया नेबरिंग इन द सेंस कि पाकिस्तान के उस समय की बात हो रही है, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। ग्रेनरीज मिलती हैं सितादल के बाहर, ये भी याद रखिएगा, आउटसाइड ऑफ सितादल ग्रेनरीज मिलती हैं। ग्रेनरीज यानी कि खादान भंडार, ये आपको मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं और भी जगह मिले हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हड़प्पा में सितादल के बाहर ग्रेनरी लोकेटेड है। सिंगल रूम्स टेनमेंट्स मिले हैं यानी बैरक्स मिले हैं। वहाँ पर हो सकता है कि सोल्जर्स रहते हों या इम्पोर्टेंट जो रक्षक होते हैं वो रहते हो। हालांकि हड़प्पा में कोई भी हमें वॉर के साइन नहीं मिलते हैं, लेकिन ये रूम टेनमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो यहाँ से मिली है, रेड कलर की मेल टोर्सो जो है वो आपको हड़प्पा से मिला है। सितादल और लोअर टाउन प्लान है, ये बात इसलिए यहाँ कही जा रही है क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ साइट ऐसी भी है जहाँ पर ना तो सितादल है, मतलब सितादल और लोअर टाउन जैसा कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, वो वहाँ पर एक ही टाइप का प्लान है। लेकिन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब में आपको सितादल और लोअर टाउन दो डिफरेंशिएट मिलेंगे सिटी के। दिस रेफर्स पो फै टोडो, इसी सभ्यता को हेन सांग ने पो फै टोडो का नाम भी दिया है। हेन सांग जो एक यात्री था, ट्रैवलर था, जो इंडिया में घूमने आया था, उसने भी हड़प्पा के बारे में अपनी बुक में लिखा है। कफिन बरिल मिलते हैं सिमेट्री एच कल्चर, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। सिमेट्री एच कल्चर कहाँ पे मिलता है, हड़प्पा में मिलता है, ठीक है। कफिन बरिल, बरिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन के क्योंकि उससे बहुत सारी अहम जानकारियां मिलती हैं। और यहाँ मिलते हैं मिट्टी के बने हुए खिलौने, टेरेकोटा फेग्रीन्स मिलते हैं हड़प्पा से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं हड़प्पा की। अगले सिटी हम देखते हैं, अगली सिटी है मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, यानी कि मुर्दों का टीला। लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध, पाकिस्तान में ये मतलब वहाँ पर मौजूद है, मौजूद थी, वहाँ पर थी। और इंडस रिवर के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे स्थित है।
इसको खोजा था दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी दोनों ने, रखलदास बनर्जी, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली है, ग्रेट बाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट ग्रैनरीज, अनदर इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये इनसाइड द सिटाडल, सिटाडल है। सिटाडल क्या होता था, टाउन्स की पैटर्न है, यानी एक होता था लोअर टाउन और एक थोड़ा ऊंचा ऊंचाई पर उठा होता था, ठीक है, और उसे सीतादल कहते थे। हो सकता था कि नगर के जो फेमस लोग या फिर जो स्ट्रांग रिच लोग रहते होंगे, स्ट्रांग लोग रहते होंगे, वो इस एरिया में रहते होंगे। तो मोहनजोदड़ो की जो ग्रैनरीज हैं, खादान भंडार है, वो सीतादल के अंदर है और हड़प्पा के आउटसाइड ऑफ सीतादल है। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला है यहाँ पर, सिंगल रूम टेनमेंट्स मिले हैं, यहाँ पर भी सिंगल रूम टेनमेंट्स है, ठीक है। सीतादल और लोअर टाउन प्लान है। फ्रेगमेंट ऑफ वोवन क्लॉथ विथ स्पिंडल होल्स एंड नीडल्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में कई बार रिपीट हो चुका है, सेट एग्जामिनेशन में भी आपके आने के चांसेस हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, कांसे की नर्तकी की एक स्टैचू मिला है यहाँ पर, और एक सील मिली है जो मदर गॉडेस को प्रदर्शित करती है, और एक सील मिली है जो पशुपति महादेव यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ जो है वहां के, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये लगभग पाशुपति महादेव जैसा शिवलिंग, शिवजी का स्ट्रक्चर लगता है, ठीक है। और ये रहा आपका ग्रेट बाथ, ये तो सबसे फेमस है ना, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार जहां पर नीचे जो परत है बिटुमिन्स की परत थी, जो आज के टाइम पे जो स्विमिंग पूल होते हैं बिल्कुल उसी तरह का दिखता था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वहां पर काले रंग की चूड़िया मिली थी, इसीलिए वहां का नाम पड़ गया कालीबंगन। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के घग्गर नदी है उसके किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा हर एक सिटी के इंपॉर्टेंट सिटी के नाम को कि कहाँ पर मिला है। राजस्थान में कालीबंगन मिला है, किसने एक्सकवेट किया था, तो बीबी लाल और बीके थापड़ जी ने इसको एक्सकवेट किया है, इसकी खुदाई की है। क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो हमेशा क्वेश्चंस में रिपीट आता है, एक लकड़ी का वुडन फरो मिला है, लकड़ी का हल मिला है, सेवन फायर अल्टर्स, और ऑलवेज रिपीट क्वेश्चन, फायर अल्टर और भी जगह मिले हैं लेकिन सात, एक साथ फायर अल्टर एक ही लाइन में वो कालीबंगन में मिले हैं। फायर अल्टर क्या होता है, जो बेदी होती है जहां पर यज्ञ हवन करते तो बेदियां बनाई जाती है ना, तो वैसा फायर अल्टर। रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक वॉल अराउंड बोथ द सितादल एंड द लोअर टाउन, यहाँ पर आपको सितादल और लोअर टाउन के चारों तरफ ब्रिक वॉल यानी बाउंड्री की हुई नजर आती है, ठीक है। ऊंट की जो है हड्डियां यहाँ पर मिली है, बोन्स ऑफ कैमल्स, तो इससे पता चलता है कि उस समय ऊंट मौजूद थे, क्यों ना हो भाई, राजस्थान की बात हो रही है तो वहां तो रेगिस्तान है तो ऊंट का होना लाजमी है। अ टाइल फ्लोर विच बेयर्स इंटरसेक्टिंग डिजाइन ऑफ सर्कल्स, एक टाइल फ्लोर मिला है जहां पर इंटरसेक्टिंग डिजाइन है सर्कल्स के लिए, मतलब ये जो सिटी है ना, जब आप इसकी फाइंडिंग्स को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा डेवलप्ड सिटी थी ये सब। अ ह्यूमन हेड विद लॉन्ग ओवल आई, थिक लोअर लिप्स, रिसीडिंग फोरहेड एंड स्ट्रेट पॉइंटेड नोज एंड एविडेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ बरिल्स, देखिए बरिल्स में एक जो कंकाल मिला है उसमें उसकी ये सारी जो खासियत है कि इस तरह का वो दिखता था, ऐसा सब पता चला है। और एविडेंस क्या मिला है, एक तो सर्कुलर ग्रेव मिली है, गोल ग्रेव, ठीक है, और एक मिला है रेक्टेंगुलर ग्रेव, ये दोनों तरह की ग्रेव आपको कालीबंगन में मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी है लोथल। लोथल आप इसको एक बिजनेस सेंटर भी कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब बात ये आती है कि मैडम जब ये सिटीज इतनी इतनी जगह फैली हुई है, हम इन सभी सिटीज को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, लगभग मतलब 1700 के आसपास सिटीज मिली हैं, टेंशन मतलब हमें वो सब नहीं पढ़ना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी सिविलाइजेशन, अलग अलग सिटीज जो मिली हैं, इन्हें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे की सील्स यहाँ मिलती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड पॉटरी मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैच होती है। जैसे भारत के कई शहर है, अलग अलग शहर है, लेकिन आपको वहां बोल चाल, रहन सहन, खान पीन और वेशभूषा मैच करती हुई मिलती है, तो पता चलता है हाँ ये भारत से है। आप जब कहीं भारत से बाहर ट्रैवल करते हैं तो ना आप बंगाल के होते हैं, ना आप दिल्ली के होते हैं, ना आप उड़ीसा के होते हैं, ना आप तमिल सॉरी ना ही आप तमिलनाडु के होते हैं, आप कहाँ के होते हैं, आप इंडिया के होते हैं, है ना। तो सेम
अब यहाँ पर जो अलग अलग सिटीज हैं वो सिटीज सारी कौन सी हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो हमें लोथल से क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में ये साइट है और साबरमती रिवर के किनारे पर स्थित है। कई बार मैच द फॉलोइंग में रिवर्स और सिटीज आई हुई हैं, तो इसको बिल्कुल भी आप इधर उधर मत कीजिएगा, ये याद रहना रखना चाहिए। डिफरेंट टाउन प्लानिंग है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। कैसे, यहाँ पर रिमेन्स मिलते हैं राइस हस्क के, चावल का पहला उदाहरण आपको यहीं पे मिलेगा एविडेंस, और रंगपुर में भी मिलता है जो कि अहमदाबाद के नज़दीक है। रंगपुर मतलब चावल का जो फाउंड, चावल जो मिले हैं वो आपको लोथल और रंगपुर दोनों से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिलता है। डॉकयार्ड का मतलब ये देखिए, ये पिक्चर में देखिए, इस तरह ईंटों की बाउंड्री करके एक डॉकयार्ड बनाया गया था, ताकि बिजनेस जो है, जब बड़े बड़े शिप्स आते थे तो वो शिप्स नदी के किनारे यहाँ से होते हुए इसके अंदर, मतलब वहां पर उनको रोका जा सके, रखा जा सके, यहाँ से सामान वगैरह आराम से उतारा जा सके और उसके बाद बिजनेस बढ़िया ढंग से चल सके। सोच रहे हैं आप उनकी बुद्धि कहाँ से कहाँ डेवलप थी। और क्या एविडेंस मिलता है हमें, यहाँ पे घोड़े का एविडेंस मिलता है एक टेराकोटा फिगरीन में। मतलब ऐसा कोई रियल घोड़े की हड्डियां या ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन खिलौने में एक हमें एविडेंस मिला है, घोड़े का खिलौना मिला है। एक इम्प्रेशन मिलता है क्लोथ का ऑन द सम सील्स, मतलब जो सील्स हैं, सील्स होती क्या है बाय द वे, कि जब वहां पे ट्रेड होता होगा, पैसा से तो लेन देन नहीं होता था, बार्टर सिस्टम ही होता था, तो सील्स क्या होती थी, मोहरे होती थी जो स्टैंप की तरह काम करती थी, कि ये सामान फलानी कंपनी का है, इस पे ये स्टैंप लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे भी स्टैंप्स मिले, कुछ ऐसे सील्स मिली हैं जिसके ऊपर कपड़े के इम्प्रेशन है। एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टेक्ट विद मेसोपोटामिया, जी यहाँ से भी आपको मेसोपोटामिया के साथ इसका बिजनेस ट्रेड मिलता है। हाउसेस विद एंट्रेंस ऑन द मेन स्ट्रीट, द हाउसेज ऑफ ऑल अदर हड़प्पा सिटी हैड साइड एंट्री। देखो ये इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट है कि लोथल में जो घर थे उसके दरवाजे मेन स्ट्रीट में खुलते थे, ठीक है, मेन स्ट्रीट में खुलते थे, लेकिन बाकी की जो सिटीज हैं उसमें आप देखेंगे तो पतली पतली अंदर संकरी गलियां बना के स्ट्रीट्स दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे, मेन स्ट्रीट में नहीं खुलते थे। ये डिफरेंस है। और क्या मिला है आपको, यहाँ पर एक शिप मिला है जिसके ऊपर, एक शिप सील के ऊपर डिजाइन किया हुआ मिलता है, एक टेराकोटा का शिप मिलता है यानी कि मिट्टी का बना हुआ जहाज। तो इन सब चीजों से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जहाज, शिप, नौका, ये सारी लोथल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पेंटिंग ऑन अ जार रिजेम्बलिंग द स्टोरी, देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस में से ही एक है। वो जो हम चालाक लोमड़ी वाली कहानी सुनते आए हैं बचपन से, वो लोथल के एक बर्तन में भी, एक जार में बनी हुई मिली है, जो कि पंचरत्ना की तरह स्टोरी जो है वहां पे नैरेट की गई है। एविडेंस मिलता है डबल बरिल, डबल बरिल यानी कि एक मेल और एक फीमेल का एक सिंगल ग्रेव में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मिलता है। दोनों बेचारे साथ में मर गए होंगे, एक साथ में ही दफना दिए गए। एविडेंस ऑफ अ गेम सिमिलर टू मॉडर्न डे चेस, आज की डेट में जो आप चेस खेलते हैं वो ऐसा एक एग्जाम्पल उस समय भी मिलता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जो वेट यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट, ये आज के एंगल्स की तरह कंपास जैसे होते हैं, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45, सॉरी इंचीज, ये इस तरह के एंगल्स मिले हैं। ठीक है, चलिए लोथल में आपको सारे इंपॉर्टेंट जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अगला इंपॉर्टेंट आपका शहर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंध में यानी कि पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास स्थित है, सॉरी पाकिस्तान में स्थित है, और इसके इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल जैसे बीड्स मिलते हैं, कार्लिन के, अगाटे, एमेथिस्ट एक्सेट्रा, ये बीड्स हैं, मोती मनके वगैरह, तो वो चनहुदड़ो में मिलते हैं, इसीलिए इसे हम हड़प्पन की फैक्ट्री भी कहते हैं, कि यहाँ पर शायद ज्वेलरी बनती होगी, खिलौने बनते होंगे, तो यहाँ पर बोन, इम्प्लीमेंट्स, सील्स वगैरह सब यहीं पे बनते होंगे। इट वॉज द ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट अ सिटाडल, ये आपको याद रखनी है बात। ये इकलौती एक ऐसी सिटी है जहां पर सितादल नहीं है, ठीक है, एक ही तरह का मतलब पूरा टाउन है। और यहाँ पर क्या मिलता है, ब्रॉन्ज फिगर मिलता है बुलक कार्ट का, स्मॉल पॉट मिलता है इंक वेल का, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक मतलब दवात होती है ना, इंक पॉट, वो यहाँ पर मिला है चनहुदड़ो में। और यहाँ पर हाथी के और डॉग के
बिल्ली का पीछा करते हुए फुटप्रिंट्स मिलते हैं। व्हाट अ फनी थिंग, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के और हाथी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, मतलब खेल रहे होंगे, दोस्त होंगे। चलिए नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। राखी गढ़ी आज अगर हम ये कहें तो अब तक का सबसे बड़ा शहर घोषित हुआ है। पहले जो है मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर कहा जाता था, अब राखी गढ़ी को कहा जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट बिकॉज इट्स वेरी बिग सिटी। ठीक है, और अभी तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की फाइंडिंग्स तो चलती ही जा रही है, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अभी तक उसको पिनकोड नहीं किया गया है, उसको अभी तक ट्रांसलेट ही नहीं कोई कर पाया है। तो जब तक उसका ट्रांसलेशन होता नहीं है तब तक तो लोग उसके पीछे पड़े ही रहेंगे, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसके ऊपर शोध क्रिया चलती ही रहेगी। तो ये किसने एक्सकवेट किया है? सूरज भान और भगवान देव ने किया है, और इसके दो लेवल हैं, एक अर्ली फेस और एक मैच्योर फेस। देखिए अर्ली फेस और मैच्योर फेस का मतलब क्या हुआ कि ये एक शहर ऐसा है जो कि बाकी सारे शहरों से पहले बसा हुआ भी है, पहले से बसा हुआ है, मतलब इसमें ऐसे साइन मिलते हैं। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है बिल्कुल। और यहाँ क्या क्या मिला है आपको? पॉटरी विद ग्राफिटी, मतलब बहुत सारे ग्राफिक बनाए गए हैं मृद भांडों पर, मिट्टी के बर्तनों पर। बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियाँ मिलती हैं, चर्ड ब्लेड्स मिलते हैं, वेट्स मिलते हैं, भार जो होते हैं, जो वेट करते हैं ना कि कितना किलो, ये सारे भार मिलते हैं। इन्हें एनिमल हस्बेंड्री का मालूम था, यानी जानवरों को आपस में कैसे मिक्स करके ब्रीड बनाई जा सकती है, इन्हें एनिमल हस्बेंड्री का मालूम था। अनइंस्क्राइब्ड सील मिले हैं, कुछ सील्स मिले हैं जिसके ऊपर कुछ भी स्क्राइब नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको मिलते हैं कंप्लीट स्केलेटन रिमेन्स ऑफ अ कपल, एक जोड़ी के कंप्लीट स्केलेटन्स मिलते हैं यहाँ पर भी, मतलब कपल को दफनाया गया था। अगला शहर है बनावली। देखिए ये वेट्स की बात मैं कर रही थी अभी, जो हमें चनखुदड़ों में मिले हैं वेट्स। बनावली हरियाणा में स्थित है, रंगोई रिवर के किनारे, और ये मड ब्रिक से बनी हुई सिटी है। या याद रखिएगा कि कुछ सिविलाइजेशन, कुछ शहर इनमें से बेक्ड ब्रिक के हैं और कुछ मड ब्रिक के हैं, यानी धूप में सुखाई गई ईंटें और मड मिट्टी से बनी हुई ईंटें। ठीक है, तो मैच्योर एंड लेट हड़प्पन फेस ये भी है। बनावली और आपके राखीगढ़ी दोनों ही मैच्योर और लेट हड़प्पन फेस है। चबूतराज बने हैं घरों के लिए, चबूतरे जानते हैं ना, घरों के आंगन के बीचों बीच में पेड़ लगा होता है और उसके आसपास में से गोल सा चबूतरा बना होता है, वहां पे अंकल जी, ताऊ जी, दादा जी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना? ठीक है, तो इसे कहते हैं चबूतरा। पता नहीं मैंने क्या बना दिया, लेकिन ऐसे कुछ होता है चबूतरा। ठीक है, पेड़, ये पेड़ बना दिया। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या मिलता है? लार्ज नंबर ऑफ बीड्स, यहाँ पर भी बहुत सारे बीड्स मिलते हैं, लैपिस लाउजली मिलते हैं, टाइनी वेट्स, छोटे छोटे वेट्स मिलते हैं, ये वेट्स की पिक्चर है। और इस तरह के खिलौने, खिलौने ये लोग बहुत बनाया करते थे, शायद बच्चे लोगों के खेलने के लिए। फायर अल्टर्स थे, फायर अल्टर आपको बनावली में मिले, और कहाँ मिले? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए हैं, जल्दी बताइए। यस, कालीबंगन में मिले हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। टेरा कोटा प्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेरा कोटा प्लो यहाँ पे मिला है। ठीक है, हल, मिट्टी से बना हुआ खिलौने का हल बनावली में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अदर इंपॉर्टेंट सिटी, ये आपका लास्ट पेज है आज का। हमें अदर इंपॉर्टेंट सिटी, एक तो अलादीनो जो कराची में है, जिसके मतलब ऊपर जो है स्मॉल टेराकोटा जार है जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ है। इससे ये साबित होता है कि उस समय में कौन कौन सी मेटल मेटल उपलब्ध थी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आयरन उस टाइम पर था कि नहीं था? बताओ बताओ बताओ, नहीं था, आयरन नहीं था। ठीक है, आयरन आपका आया है वैदिक एज में। मड ब्रिक हाउस थे यहाँ पर अलादीनों में। और सुरकोतदा इट्स ओनली सिटी जहाँ पर हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं, घोड़े के रिमेन्स सिर्फ और सिर्फ सुरकोतदा में मिले हैं, ना तो मोहनजोदड़ो में, ना हड़प्पा में, ना ही किसी और शहर में। तो ये थे आज की क्लास, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको एमसीक्यू करवाएंगे ताकि हो जाए थोड़ी सी प्रैक्टिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।